नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? साला छोटा आदमी छोटी बात करेगा। अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सके। देख देख ये कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर, कर कर कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा, इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन दो अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन का है? सेठ जी पेन? पेन। ओके सेठ जी। यस यस। ए लड़की अब बता, मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? एक कप चाय। एक कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी, करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक, कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। ला लो पीते पीते लाओ। चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं। चाय पीजिए। क्या कर रहे हैं सेठ जी, ये 2.5 करोड़ की चाय है, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल, ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी, 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा। बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत।